शांति 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 ही। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तन रतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्ति रसपान प्रहृष्ट चित्ताः दातुं कृपा सहित दर्शनमाशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजन विधिं भवदंघ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम्
व्याप्तां दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती सम विशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वंगनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धामा ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं प्रतिवासाय मङ्गलं सत्यसाईने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडियादिपल्लिसोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाजऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः।
ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शंकराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः।
ॐ श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्य प्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसार दुःख क्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधु मानस शोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकल संशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकल तत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आतिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटिशह नमन। श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तुम आशा विश्वास हमारे कार्यक्रम की कड़ी में आज आठवां पुष्प हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच भगवान के अनन्य भक्त एवं भूतपूर्व छात्र डॉक्टर साई गिरिधर जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आपने अपनी शिक्षा श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से प्राप्त करी है एवं वर्तमान में आप श्री सत्य साई सेंटर फॉर एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज में रिसर्च स्कॉलर के रूप में कार्यरत हैं। आपका आज का विषय भक्त वत्सल साई भगवान हेतु मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साई गिरिधर जी, जय साई राम। सर्वरूप धरम शांतम सर्वनाम धरम शिवम सच्चिदानंद अद्वैतम सच्चिदानंद अद्वैतम सत्यम शिवम सुंदरम भगवान परब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साई के चरण कमलों में हम सभी के प्रणाम अर्पित करते हुए सत्य साई के ही विभिन्न स्वरूप में मौजूद यहाँ पे सभी को प्रणाम और साई राम। जब स्वामी से एक बार पूछा गया था कि स्वामी आप हो तो क्या हो, तो स्वामी ने बड़े सहजता से कहा सर्वरूप धर्म शांतम। इस समस्त ब्रह्मांडों में जितने भी रूप आप देख रहे हैं
सारे मेरे ही हैं। सर्वनाम धर्म शिवम, हर रूप का नाम होता है, सारे रूप मेरे हैं इसीलिए सारे नाम भी मेरे हैं, और सारे नाम शिवम माने मंगलमय। सच्चिदानंदम अद्वैतम, लेकिन मैं अनेक नहीं हूं, अद्वैतम माने एक ही हूं मैं, सर्वव्यापक एक ही हूं मैं तत्व। सत्यम शिवम सुंदरम माने वो एक तत्व जो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, वही सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में इस समस्त ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसे सर्वव्यापी हृदय निवासी भगवान को प्रणाम करते हुए सभी के भीतर आज के सत्संग में हम ये विषय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जो कि भगवान हर बार हमें बताते थे हम सभी को, Why fear when I am here? जब मैं हूं तो डर कैसा? Why fear when I am here? भगवान हमेशा हमारे पास ही मौजूद है, इस बात का विश्वास हर भक्त को करना चाहिए। और ये विश्वास का आधार जो है सिर्फ एक भावना स्वरूप नहीं बल्कि अनुभव स्वरूप में करना चाहिए। इसका प्रमाण देते हुए एक अनुभव मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। ये अनुभव बहुत साल पहले हमारे पिताजी के बुआ जी को हुआ, बहुत बुजुर्ग थे तब और प्रशांत निलयम में ही थे। हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार में सबसे पहले जो व्यक्ति स्वामी के संपर्क में आए, श्री सत्य साई को भगवान जाना, फिर भक्त बने, फिर सारे परिवार को प्रभावित किए अपने भक्ति से, और उनके चरणों में भी हम अपना नमस्कार और प्रणाम करते हैं, हमारे पिताजी के बुआ जो हैं, उनके भक्ति के वजह से ही हम सारे यहाँ पे अभी प्रशांत निलयम में हैं। उनका भक्ति ऐसा था कि जो भी हो जाए वो स्वामी के अलावा और किसी को जानते नहीं थे और मानते भी नहीं थे। जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि वो जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी किसी पर अपना माने जो विश्वास है या फिर जो अपना डिपेंडेंसी जो बोलते हैं वो रखते नहीं थे, सिर्फ स्वामी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये सबसे प्रथम लक्ष्य है एक भक्त का, कि वो भक्त जो भी हो सिर्फ भगवान पे पूरी तरह से निर्भर होता है। तो उनका भी स्वभाव ऐसा ही था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पेट में एक बहुत दर्दनाक कुछ हो गया था, माने क्या था कोई किसी को पता नहीं था, क्योंकि डॉक्टर से मिलने से उन्होंने सख्त मना कर दिया। हाँ, मैं यहाँ पे सूचित करना चाहता हूं कि यहाँ पे भक्ति की विशेषता बताई जा रही है, प्रैक्टिकल में सभी के लिए ये अप्लाई नहीं है। जहां तक कि मेडिकल सिचुएशन आता है, स्वामी ने हॉस्पिटल भी इसलिए बनाया क्योंकि जिन जिन को मेडिकल प्रॉब्लम होता है उनको इमीडिएटली देख लेना चाहिए, अपना मन संभाल लेना चाहिए। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ, जैसे बताते हैं, माने जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो अपना सुरक्षा करना अपनी जिम्मेदारी पहले है, फिर भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो ये माने सूचना देते हुए वापस कहानी में आते हैं, और ये घटना ऐसी हुई कि उनके पेट में कुछ दर्दनाक हुआ, कुछ तो भी क्या था किसी को पता नहीं, और फूलता गया इतना
इतना फूल गया और टाइट हो गया कि इतना दर्द और किसी ने देखा ना हो, ऐसा दर्द उनको महसूस हो रहा था। और लेकिन उन्होंने एक बार भी डॉक्टर से मिलने या कोई दवाई लेने का विषय उन्होंने छेड़ा ही नहीं। और जब उनके पुत्र पौत्र जो थे वो भी आए और उनको मने सलाह देने लगे कि माता जी आइए, आपको डॉक्टर के पास लेके जाते, ये बहुत कष्ट में आपका स्थिति है, इसको हम देख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो डॉक्टर है वो सिर्फ स्वामी है, अगर स्वामी कुछ करना चाहे तो करे, नहीं तो इस शरीर को लेना चाहते तो वो ले सकते हैं, क्यों, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। ऐसे माने एक उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ रहे, हालांकि दर्द है। एक भक्त का ये स्वभाव होता है कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं भक्त, क्यों, पूरा जीवन जो भक्त का है एक भगवत प्रसाद रूप है, भक्त का जीवन जो है भगवत प्रसाद रूप, इसीलिए वो उत्साह के साथ थे हालांकि बहुत ही ज्यादा दर्द में थे। फिर एक रात को ऐसा हुआ कि वो बुआ जी लेट गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनको नींद आई और सो गए और स्वप्न में स्वामी आए, उनके स्वप्न में स्वामी आए और स्वप्न में स्वामी ने उनसे कहा, कितना हटी हो तुम, तुम्हारे सारे रिश्तेदार कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ लेकिन जाते नहीं हो तुम, हाँ यही कहते रहते हो कि स्वामी मेरा डॉक्टर है, स्वामी मेरा डॉक्टर है, तो मुझे अभी आना पड़ा, देखो तो मैं इधर आया हूँ, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, बहुत ही नाजुक स्थिति है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। ये कहते हुए स्वप्न में स्वामी पूरा अपना जो माने डॉक्टर का यूनिफॉर्म है और उनके पास जो भी किट है वो सब लेके आए और उन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन कर डाला। और उसके बाद उन्होंने सिलने के बाद विभूति मेटेरियलाइज के उसके ऊपर डाल के माने चले गए स्वप्न में। अगले दिन जब जागृत अवस्था में आए बुआ जी, तो उनको महसूस हुआ कि जो भीतर में जो विशाल दर्द था वो दर्द जो था वो निकल गया, पूरी तरह से निकल गया वो दर्द, लेकिन ऊपरी तरह से देखे तो कुछ खिंचाव जैसा महसूस हो रहा था पेट में। तो उन्होंने देखा तो वहां पे जो सिलाई होती है स्टिचेस, वो स्टिचेस का मार्क उनको दिखा और उसके ऊपर विभूति। सोच के देखिए, इस प्रकार भगवान अपने भक्त को बचाने आते हैं, माने कैसे, जिनको इतना विश्वास है कि भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसा विश्वास, जो मीराबाई के पास जैसा विश्वास था, उस विश्वास ने क्या कर दिया, ये कर दिया कि विष उनको पिलाया गया तो उन्होंने विष को भी अमृत के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। वो उनकी भक्ति थी, उनका विश्वास अटूट अचल विश्वास था भगवान के ऊपर, वाई फियर वेन आई एम हियर। ऐसे भक्त जो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के विषय में भी स्वामी ने कहा किस प्रकार की प्रार्थना करने से स्वामी स्वयं वहां मौजूद हो जाते हैं, स्वामी स्वयं वहां मौजूद हो जाते हैं। एक इंटरव्यू में स्वामी के छात्र को स्वामी ने ये स्वयं कहा था कि देखो, तुम लोगों के हृदय में इतने सारे इच्छाएं हैं, स्वामी ये करो वो करो, कभी कभी एक चीज हम यहाँ पूछते हैं उसके बिल्कुल विपरीत चीज उसके बाद पूछते हैं, तो कौन सा उनको माने मान के चलना है, बहुत कंफ्यूजन है। इसीलिए स्वामी ने कहा देखो, तुम्हारा जितना भी ये इच्छाएं हैं, जो भी तुम प्रार्थना करते रहते हो, ये चाहिए वो चाहिए, वो सारे डिपार्टमेंट जो है बाकी देव देवताओं में मैंने बांट दिया है, माने उसका पोर्टफोलियो है, सभी का पोर्टफोलियो, सारे देवताओं का, देवी देवताओं का पोर्टफोलियो है और उनके पास मैंने भेज दिया ये सारे रिक्वेस्ट। हाँ, लेकिन तीन प्रकार के प्रार्थना हैं जो सीधा मेरे पास आते हैं, स्वामी ने कहा सीधा मेरे पास, माने क्या, इन प्रार्थनाओं में हम अगर भाग लेंगे, ऐसे प्रार्थना अगर हम करेंगे तो स्वामी के समक्ष हम अपने आप को पाएंगे। तो ये प्रार्थना किस प्रकार का, स्वामी ने कहा एक है निस्वार्थ प्रार्थना, सेल्फलेस प्रेयर,
जो भी सेल्फलेस प्रेयर आप करेंगे वो सीधा स्वामी के पास आता है और माने डायरेक्टली वो स्वामी ही देखते हैं कि उस प्रार्थना का क्या किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा, किसी और की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की भलाई के लिए अगर प्रार्थना हो वो भी मेरे पास आता है। पहला है निस्वार्थ प्रार्थना। निस्वार्थ प्रार्थना तो किसी भी प्रकार का होता हो सकता है ना, माने किसी के लिए भी हो सकता है निस्वार्थ स्वरूप से, हाँ। लेकिन दूसरा प्रकार क्या है, किसी और के लिए जो हम जानते भी नहीं वैसे किसी और के लिए प्रार्थना करना, तह दिल से प्रार्थना करना, वैसा प्रार्थना जो है सीधा स्वामी के पास आता है। एक है निस्वार्थ प्रार्थना, दूसरा स्ट्रेंजर्स के लिए माने किसी और के लिए जिसे हम जानते भी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करना, वो भी स्वामी के पास आता है। तीसरा उन्होंने कहा समस्त लोक के लिए, माने जैसे हम प्रार्थना करते हैं समस्त लोका सुखिनो भवंतु, वैसा जो व्यापक प्रार्थना है माने समस्त ब्रह्मांडों की खुशी के लिए, आनंद के लिए, सुखमय जीवन के लिए जो प्रार्थना करते हैं हम, वैसा प्रार्थना जो है स्वामी ने कहा वो सीधा मेरे पास ही आता है और वही उन प्रार्थनाओं का जो जवाब देना है वो मेरा जिम्मेदारी है। स्वामी के खुद का वचन है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में रखें, माने निस्वार्थ प्रार्थना किसी और के लिए जो हम जिनको हम जानते नहीं है, जो कि गैर बताया, ऐसा गैर तो कोई है ही नहीं, सभी हमारे भाई बंधु हैं, बहन भाई हैं, लेकिन जो माने पारिवारिक रूप से जो स्ट्रेंजर्स है आउटसाइड जिनको हम जानते नहीं है समझ लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करना और समस्त ब्रह्मांडों की सुख और आनंदमय जीवन के लिए प्रार्थना करना, ये तीन प्रकार के प्रार्थना जो है स्वामी स्वयं स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद भी स्वयं ही देते हैं। तो इसमें रहस्य ये है कि ऐसे प्रार्थना हम रोज करें तो स्वामी के अनुग्रह और उनके उपस्थिति का अनुभव हमें बहुत गहराई से होगा। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए माने स्वामी की उपस्थिति और अनुभव को किस प्रकार हम अपने निजी जीवन में उतार सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे हम स्वामी के प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं। देखिए स्वामी हर जगह अनुभव में आ जाते, यही फर्क है। उनकी उपस्थिति जो हर जगह मौजूद है, आप जहां कहीं भी हो आपके बिल्कुल पास है। स्वामी ये भी बता देते हैं, आई एम मच मोर क्लोजर टू यू देन यू आर टू योरसेल्फ, मैं आपसे इतना निकट हूं, इतना निकट हूं कि आपके पास आपसे ज्यादा निकट हूं, ये कह देते स्वामी, आई एम मोर क्लोजर टू यू देन यू आर टू योरसेल्फ, ऐसे। तो ऐसे भगवान जो हमेशा हमारे पास मौजूद है तो उनको अनुभव कैसे करना है, एक छोटा सा स्वामी का ही दिया हुआ एक साधना हम सब मिलके कर सकते हैं, बिल्कुल एक मिनट ही लगेगा इसमें, और ये साधना के द्वारा हम स्वामी के अनुभूति हमारे भीतर कर सकते हैं। स्वामी ने छात्रों को ये साधना देते हुए कहा, देखो ये जो अवतार का स्वरूप मैं धारण करके आया हूं ना, ये सिर्फ आपके लिए है, आप सरल ध्यान कर सकें इसीलिए है। तो इस स्वरूप का ध्यान कैसे करना है, देख लीजिए। स्वामी ने कहा आंख बंद करके आप अपने जो सिर है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और अपना ध्यान जो है बिल्कुल ब्रुकुटी के मध्य में, माने आईब्रोज के मध्य में यहाँ पे लगा लीजिए और वहां पे स्वामी का स्वरूप का ध्यान कीजिए और स्वामी का स्वरूप का ध्यान करते हुए अपना जो सांस भीतर आ रहा है उस सांस को देखिए, स्वामी को छूते हुए फिर वापस बाहर जाता है, सांस अंदर जाता है सो, स्वामी को छूते हुए फिर बाहर जाता है हम, ये देखिए ये सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन प्राण नहीं देता है, जैसे कि कोई शव में अगर ऑक्सीजन हम सप्लाई भी करें तो उसमें प्राण वापस नहीं आ सकता है ना, क्यों,
ये जो चैतन्य स्वरूप हर किसी में बसा है वही ऑक्सीजन को प्राणमय बना देता है, और वो चैतन्य स्वरूप ही, सच्चिदानंद स्वरूप ही भगवान श्री सत्य साई है। वो चैतन्य स्वरूप में मौजूद है यहाँ पे, तो भृगुटि मध्य उनका ध्यान करते हुए, स्वामी के स्वरूप का ध्यान करते हुए, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, सो देखिए कि सांस स्वामी के चरणों को छूता है और प्राणमय बन गया है, फिर बाहर सांस छोड़ते हैं हम। जो भी हमारे भीतर डर हो या किसी प्रकार की कोई भी एंजाइटी हो, कोई भी वरी हो, शंका हो, सभी कुछ जो बाहर सांस चल रहा है उसके साथ आप उसको बाहर कर दें। भीतर सांस लेते हुए फिर से सो देखिए कि स्वामी के चरणों को छूके प्राणमय बन गया है वही सांस, प्राण देने वाला प्राणयुक्त सांस बन गया वो। फिर हम जैसे जैसे बाहर आता है तो हमारे भीतर जितने भी एंजाइटी है, वरी है, चिंता है, जो भी नेगेटिविटी, सब बाहर आउट। अभी फिर से करेंगे सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। इस प्रकार हम अपने भगवान की उपस्थिति को हमारे हर सांस में महसूस कर सकते हैं, और जैसे स्वामी ने हमें बहुत बार कहा है कि स्वामी के बताए हुए साधना को हमारे जीवन में, निजी जीवन में प्रतिदिन अगर हम उसको बरकरार करते आए तो उससे बड़ा सुरक्षा, उससे बड़ा शांति और उससे बड़ा जो धैर्य का, साहस का आधार जो है, हमें और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। और वो साधना क्या है, रोज जो स्वामी बताते हैं, सुबह उठ के ओमकार, सुप्रभात, स्वामी के अष्टोत्र नामावली, फिर सेवा में भाग लेना, किसी भी प्रकार के सेवा में भाग लेना, और अगर आप घर में हो, सुविधा हो, तो दिन में 3 बार कम से कम भजन में भाग लेना। स्वामी का भजन ऐसा है कि एक संत महात्मा ने भी ये कहा था, ये विषय उनके खुद के अनुभव से, कि जब सत्य साई के भजन होता है, when you sing loudly, when you shout, all the negativity and impurity is out, उन्होंने ऐसा कहा। माने जब हम साई के भजन गाते हैं जोर से, तब क्या होता है, भीतर की जितने भी गंदगी है, जो भी negativities है, जो भी बीमारी है, सब out हो जाता है। So साई के भजन 3 times a day, परम पावन भजन है साई भजन, 3 times a day करने से, 2 बार तो प्रशांत निलयम से ही आपको सुनाई देगा, उसी के साथ आप कर सकते हैं। और जो नगर संकीर्तन का जो समय है, उस समय भी आप अपने हिसाब से, अपने आप में मस्त रहते हुए आप साई का भजन कर सकते हैं। तो साई का जो साधना है, माने ओमकार सुप्रभात, फिर अष्टोत्र नामावली, 3 time भजन, और किसी प्रकार की सेवा, घर में जो लोग हैं उनकी सेवा, नहीं तो भजन करते वक्त जितने भी लोग बीमार है आसपास, जिनकी जानकारी आपको है, और समस्त जो भूगोल में है, माने धरती में है जितने भी लोग, उन सभी का नाम को स्मरण करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि सभी को अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त हो, सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावनाएं सभी के हृदय में जागृत हो, तो ऐसी प्रार्थना के साथ हम भजन कर सकते हैं हर दिन प्रतिदिन, ये भी सेवा के स्वरूप धारण कर लेता है। अगर एक भक्त को किसी विषय का, माने दुख होना चाहिए अपने जीवन में,
वो जन्म या मरण से नहीं, यही विषय होना चाहिए कि भगवान की सेवा हमारे हर श्वास में हमने किया कि नहीं। भगवान की सेवा माने जो भगवान सभी में उपस्थित है, सर्वव्याप्त है, हर एक प्राणी में उपस्थित है, उनका सेवा हमारे द्वारा हुआ कि नहीं, इसी चीज की चिंता होनी चाहिए। और दूसरी चिंता अगर कोई होना चाहिए कि भगवान जो सतगुरु स्वरूप है, उनके साधनाओं को अपनाते हुए, उनको अपना सतगुरु मानते हुए, क्या हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हमने साधना किया कि नहीं किया। यही दो चीज का चिंतन हमारे मन में होना चाहिए, ना कि जन्म ना मृत्यु, ना कि बीच में और कोई प्रॉब्लम। इसका भक्त का ये लक्षण है, भक्त सिर्फ ये दोनों का चिंतन करता है। क्या है? सतगुरु की आदेश माना है हमने, सेवा हुई कि नहीं, बस यही दो चीजों का चिंतन रहता है एक भक्त के मन में, और किसी प्रकार की विचार धारणाएं नहीं होती। क्यों? पूरा जीवन जो भक्त का है भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। और स्वामी ने भी हमसे ये कहा था चेन्नई में कि शरणागत का यही अर्थ है, लक्षण है, हमारे साथ भले ही अच्छा हो या बुरा हो, ये दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान खुद हमें ये प्रसाद रूप में दे रहे हैं। जब ये दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में होगा, हमारा शरणागति परिपूर्ण होगा। इसी विषय को हमारे हृदय में धारण करते हुए हम आप सभी से प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करते हुए आपसे मैं विश्रांति चाहता हूँ आज के सत्संग के लिए। यहाँ पे कभी पूर्ण विराम नहीं लग सकता है सत्संग के लिए, सिर्फ अल्प विराम। तो इस अल्प विराम के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक साई राम के साथ, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ, समस्त ब्रह्मांडों की सुखमय, आनंदमय और सद्बुद्धि, सद्विचार और सद्भावनाओं के साथ सद्गुरु के चरणों में समर्पित सेवा में जीवन की प्रार्थना करता हूँ। जय साई राम। भगवान तुम हो प्राण सखा भगवान, तुम हो नाथनाथ भगवान, ओ साई मेरे सखा भगवान। माता पिता गुरु बंधु तुम हो भक्त सखा भगवान, दीन सखा भगवान, भगवान प्राण सखा भगवान, हो साई मेरे प्राण सखा भगवान, तुम हो नाथ नाथ भगवान। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में अनगिनत प्रणाम और आप सभी को सप्रेम साई राम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। रामायण की यह चौपाई यह बता रही है कि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से, नाम स्मरण से इस कठिन भवसागर को पार किया जा सकता है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने साई युग में जन्म लिया। भगवान की असीम अनुकंपा और मानव जाति के उद्धार के लिए
हमें यह संगठन प्राप्त हुआ और नौ सूत्री आचार संहिता। नौ सूत्री आचार संहिता का दूसरा सूत्र है पारिवारिक भजन, सप्ताह में एक बार परिवार के साथ भजन। भजन श्री सत्य साई सेवा संगठन का एक परिचय पत्र है। भगवान जब 8 वर्ष के थे तब उन्होंने पंढरी भजन मंडली से भजन का बीजा रोपण करा। वाह, क्या सुंदर दृश्य होता होगा वह जब हमारे भगवान बालक सत्या रूप में आगे आगे भजन गाते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे हम उम्र बालक भगवान के भजनों को दोहराते हुए जा रहे हैं, पूरे नगर में सकारात्मकता फैलाते हुए जाते हैं और शाम को गांव के बीच दीपक जलाकर वही दृश्य फिर से जहां भगवान भजन गा रहे हैं और उनके मित्र उनके भक्त उन भजनों को दोहरा रहे हैं। तभी से भगवान ने हमें नगर संकीर्तन और सामूहिक भजन की संकल्पना दी थी। सन 1940 को भगवान ने अपने अवतरण की घोषणा करते हुए मानव जाति को यह संदेश दिया, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। जब हम अकेले गाते हैं तो उसे गायन कहते हैं और जब हम समूह में गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। भगवान ने भी संकीर्तन सामूहिक गान पर जोर दिया है। सामूहिक गान के साथ साथ पद्धति, राग, ताल और अनुशासन की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य है एक रूपता। समय समय पर अखिल भारतीय स्तर से भी जो निर्देश प्राप्त होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए श्री सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश के लगभग 30 मेंटर भजन प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं 3 स्तर पर, जिसका उद्देश्य है भजनों की एकरूपता और संगठन के प्रत्येक परिवार में पारिवारिक भजन। यह 3 स्तर हैं, जिला स्तर, युवा स्तर और बाल विकास स्तर। प्रशांत निलियम से साई मीडिया सेंटर से भी भजनों का प्रसारण प्रचार किया जाता है। आप सभी वहां के भजनों को वहां से भी भजनों को सुन सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पावन पुनीत सप्ताह में जब हम मां ईश्वरम्मा का सप्ताह मना रहे हैं, आइए प्रत्येक साई भक्त संकल्पबद्ध हो कि हम पारिवारिक भजन करेंगे। यह कोरोना काल इस तरह का है कि सप्ताह में नहीं अब बल्कि हमें प्रतिदिन हमारे परिवार के साथ भजन करना चाहिए। आइए हम साई रूपी भजनों के दीपक को हमारे घरों की दहरीज पे लगाएं।
जिससे घर के अंदर भी उजाला हो और घर के बाहर भी उजाला हो, सभी दूर सकारात्मकता फैले। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हम पर प्रेम बरसाएं, हम पर दया करें। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। प्रेमामृत बरसाओ बाबा, प्रेमामृत बरसाओ बाबा, दया करो भगवान, कृपा करो भगवान, दया करो भगवान, कृपा करो। तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन, तुम्हारी दया बिन कैसा जीवन, रोम रोम में बसने वाले रोम रोम में बसने वाले राम, जन्म मरण से पार उतारो, जन्म मरण से पार उतारो, दया करो भगवान, कृपा करो। प्रेमामृत बरसाओ बाबा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे। शशि वदना श्रीतरा सर्व प्राणपति, स्वामी सर्व प्राणपति, आश्रित मंगल आरती अंधक,
सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय श्री सत्य साई बाबा जी की जय।